दोस्तों स्वागत है आपका मोशन कम्युनिकेशन में। और आज हमारे पास एक सेट आया सोनी का सेट आया ब्रोकन डिस्प्ले के अंदर। अब ब्रोकन डिस्प्ले के अंदर में आया तो हमारे पास सेम डिस्प्ले तो नहीं था, इसलिए हमने इसको एलजी का डिस्प्ले लगाया। पर जैसे हमने एलजी का डिस्प्ले लगाया तो उसके अंदर में 5 टाइम ब्लिंकिंग का एरर आ रहा था। 5 टाइम ब्लिंकिंग का एरर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो पैनल आईडी है वो मिसमैच है। तो हमको डायग्नोस करने का पता चला कि इसकी जो ब्रोकन वाला डिस्प्ले था उसमें से हमने ये स्केलर निकाले। स्केलर निकालने के बाद जो आपको आईसी दिख रही है, आपको ये यहाँ पे बहुत सारी आपको आईसी दिखेंगी, लेकिन हमको मतलब है HDSCL वाली पैनल आईडी वाली आईसी से। तो हमने इसको सेम टू सेम निकाले ओरिजिनल वाले जो ब्रोकन वाला डिस्प्ले था उसमें से। और निकालने के बाद ये हमारी जो पैनल आईडी का जो कार्ड होता है, मॉड्यूलर होता है, इसके अंदर में हमने ठोक दिए। इसके बाद ठोकने के बाद क्या है कि इसके अंदर में SD और SCL का जो एक कम्युनिकेशन की लाइन होती है, जो CPU समझता है जिसको सिग्नल वो, और उसके बाद 3.3 और ग्राउंड ये यहाँ पे लगा दिया हमने इस तरीके से। ये देखिए ग्राउंड, और ये यहाँ से हमने 3.3 और HDSCL के लिए हमारा यहाँ पे BCC के पॉइंट की तरफ होता है HDSCL। तो ये हमने कनेक्शन दे दिया इसको, और उसके बाद देखते हैं कि अभी रिजल्ट हमारे पक्ष में है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये रिजल्ट पूरा हमारे पक्ष में है। और दूसरी बात, सोनी के अंदर में जब भी आप डिस्प्ले डालेंगे तो इसके अंदर में आपको पैनल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी 3.3, ग्राउंड, SDA और SCL, ये चार चीज़ इसको चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आपका ये पैनल वर्क करता है। तो इसका सेम टू सेम स्केलर हमारे पास था, तो ये हमारा काम हो चुका है। अगर हमारे पास सेम अगर पैनल होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसका हमने ओरिजिनल वाला डिस्प्ले को तोड़ा हुआ, उसमें से स्केलर निकाल के इसकी आईसी को हमने यहाँ मूव करे और हमारा पैनल रेडी हो गया। यही तरीका है। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।